अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम कुशन का जो है कवर बनाएंगे, एनवेलप स्टाइल में कुशन कवर बनाएंगे। ये जिप स्टाइल में है लेकिन मैं एनवेलप स्टाइल में बनाऊंगी। अब सबसे पहले मैंने इस कुशन के लिए जो है कवर बनाना है, तो सबसे पहले मैं इसका नाप ले लूंगी। ये तकरीबन 16 इंच है और इसकी चौड़ाई भी 16 इंच है। स्क्वायर शेप में बनता है कुशन, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई जो है वो सेम होती है। एवरेज साइज जो है वो तकरीबन 16x16 का ही होता है कुशन में। 17x17 का भी हो सकता है लेकिन इसे ज्यादा का नहीं होता, या फिर 15x15 का। तो मेरा जो कुशन है वो 16 इंच है। लेंथ इस लेंगे हम 16 इंच और विड्थ वो भी 16 इंच, लेकिन 16 इंच जो है वो बना हुआ 16 इंच का है। अब लेंथ जो है वो लेंथ जो है हमारे पास डबल में है, तो 16+16। उसके बाद हम एनवेलप स्टाइल में बना रहे हैं, तो उसके लिए तकरीबन 6 इंच जो है वो एक्स्ट्रा लूंगी। आप 7 इंच भी ले सकते हैं लेकिन 7 इंच से ज्यादा नहीं लेना। 6 इंच से अगर कम होगा, 5 इंच तक भी ले सकते हैं लेकिन 5 से कम होगा तो बार बार निकलेगा, तो वो जो है एक्स्ट्रा जो है वो मैं 6 इंच लूंगी प्लस 6, और प्लस जो है वो 2 इंच जो है वो मेरे पास होगा सिलाई में। ऊपर नीचे जो है दोनों किनारों से जो है 1 इंच एक किनारे से सिलाई लग जाएगी, 1 इंच दूसरे किनारे से लग जाएगी, तो 2 इंच जो है सिलाई में निकल जाएगा। तो ये होगा टोटल 40 इंच। 40 इंच की मैंने लंबाई लेनी है। अगर आपके पास 17x17 का है तो 42 इंच की लंबाई आ जाएगी, अगर 15x15 का है तो 38 इंच की लंबाई आएगी, और विड्थ जो है वो 16 इंच है, तो इसके अंदर प्लस 1 इंच करूंगी क्योंकि एक साइड से और दूसरे साइड से आधा आधा इंच जो है वो सिलाई में दबेगा, तो ये हो जाएगा 17 इंच। अब इस हिसाब से मैंने कपड़ा रखना है। मैं इस तरह से प्लेन कपड़े में बना रही हूँ। सबसे पहले मैं कपड़े की लंबाई चेक करूंगी। लंबाई जो है वो मुझे तकरीबन 40 इंच की लंबाई चाहिए। इसकी लंबाई तकरीबन 40 इंच तक इसकी लंबाई है, लंबाई इसकी पूरी है। अब मैं इसकी चौड़ाई चेक करूंगी। चौड़ाई इसकी मुझे 17 इंच चाहिए। अब इन निशानों को जो है मैं स्ट्रेट कर लूंगी। अब जो स्ट्रेट लाइन खींची इसको कट कर लेंगे। अब ये इनके दोनों किनारों को जो है हम सबसे पहले सिलाई लगाएंगे। अब ये मेरे पास प्लेन है कपड़ा, अगर आपके पास प्रिंटेड है तो आपने सीधी तरफ यहाँ अंदर की तरफ रखनी है और उल्टी तरफ इस तरह से रख के इस वाले किनारे को भी तकरीबन आधा इंच पहले डबल फोल्ड करेंगे और उसके बाद ट्रिपल फोल्ड करके इसको सिलाई लगा लेंगे। ये उल्टी साइड पे हमने इसको फोल्ड करके इसको सिलाई लगाना है और दूसरे किनारे को भी हम, ये इसकी उल्टी साइड है, ये इसकी सीधी साइड है, तो यहाँ हम इसको पहले डबल फोल्ड करके उसके बाद ट्रिपल फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। हमने लंबाई में 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था सिलाई के लिए, उसकी वजह ये थी। अब यहाँ से भी ये 1 इंच फोल्ड हो गया और यहाँ से भी 1 इंच फोल्ड हो गया, और चौड़ाई में हमने सिर्फ 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था, उसकी वजह ये थी कि यहाँ से आधे इंच के मार्जिन पे सिलाई लगेगी और यहाँ से भी आधे इंच पे सिलाई लगेगी। अब सबसे पहले हमने किनारों को सिलाई लगा लेना है। दोनों किनारों से हमने सिलाई लगा ली है, यहाँ से भी लगा ली है। अब हम कुशन का नाप लेंगे। बना हुआ कुशन हमें चाहिए 16 इंच का, तो 16 इंच पे कपड़े को फोल्ड करेंगे। ये 16 इंच पे कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके सेट कर लेंगे। यहाँ से पट्टी हमारी तकरीबन 5.5 इंच की बनेगी। ये 16 इंच पे फोल्ड करके हम इसे पिनअप कर लेंगे। ये यहाँ पे बना हुआ हमें 16 इंच का चाहिए, तो हमने इसको 16 इंच पे इस तरह से पिनअप कर लिया। अब ये जो एक्स्ट्रा है इसको हम पीछे की तरफ ऐसे मोड़ के इसको सेट कर लेंगे, इसे भी पिनअप कर लेंगे क्योंकि इसको हमने इस तरह से सीधा सिलाई लगाना है। आधे इंच के फासले पे इस तरह से सिलाई लगानी है और यहाँ पे भी हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। ये इसका ओपन साइड होगा जहाँ से कुशन जाएगा। ये दोनों साइड से हमने इस तरह से सिलाई लगा ली है, इसे सीधी तरफ मोड़ेंगे। ये कुशन कवर इस तरह से रेडी है। अब हम इसके अंदर कुशन जो है वो डाल के चेक करेंगे।
से जो हमने कपड़ा मोड़ा था वो इसके ऊपर इस तरह से लगा लेंगे। ये हमारा कुशन कवर इस तरह से रेडी है। आप यहाँ पे कोई टिच बटन भी लगा सकते हो, वरना ये ऐसे भी फिट रहता है, नहीं निकलता।